आज बेकनगंज स्थित दी ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर व निशुल्क आंखों की जांच और ट्रस्ट मानवता उपचार के माध्यम से एक्सपर्ट डॉक्टर अमरीन एवं उनकी टीम द्वारा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अमरीन ने बताया कि आजकल की जो बीमारी लोगों को हो रही है गर्मी के कारण है, उससे कैसे बचें और लोगों को निशुल्क दवाइयां भी दी। मौके पर डॉक्टर राहुल, शबनम व हैदर मौजूद रहे। स्वास्थ्य एक वरदान है और इंसान सबसे ज्यादा इसे इग्नोर करता है। बीपी, डायबिटीज, आईज, वेट एंड हाइट की निःशुल्क जाँच करवाई। डायबिटीज को मैनेज करने के लिए वॉक, एक्सरसाइज, बजरा एंड ब्रोकली, मशरूम एंड हाई प्रोटीन डाइट, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करने की एडवाइस दी। इस मौके पर डायरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट अलीम सर, मुर्तजा खान, शबाना परवीन, नियाजी, अलीशा खान, रिया सिद्दीकी, शबाना साजिया सिद्दीकी, राखी गुप्ता, कुमार देवनानी, सुहेल आफताब, लाइफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, दीक्षा गुप्ता, अचिन अरोरा पत्रकार आदि लोग मौजूद रहे। मैम, अपना परिचय दीजिए। आज यहाँ पे जो आपने कैंप लगाया, कहाँ पे लगाया और इसका आपने जो निःशुल्क लगाया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अमरीन हूँ, मैं एक फिजिशियन हूँ और एक समाज सेविका हूँ, ओरा की संस्था से जुड़ी हुई हूँ। आज मैंने ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट बेकनगंज अलीम सर के यहाँ एक कैंप लगाया। इस कैंप में हम लोगों ने करीब 100 मरीज लिए, जिसमें उनको निःशुल्क दवाइयाँ दी। इसमें हर उम्र के लोग थे, करीब 10 साल से बच्चे से लेकर 75 साल की वृद्ध महिलाएँ भी थीं। और हमने यहाँ पे देखा कि बच्चों में बहुत सारे कमियाँ पाई गई हैं, जैसे कि उनमें आहार की प्रोटीन की डिफिशेंसी पाई गई है, खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, और महिलाओं में हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। और बेसिकली लड़कियों में भी पाया गया कि उनमें खून की बहुत कमी थी, ब्लड प्रेशर लो था और मल नरिश थी, जो जिनकी उम्र 15 से लेके 22 साल की थी। और स्टूडेंट के लिए अलीम सर बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, बहुत योगदान दे रहे हैं और उनकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्टूडेंट लाइफ में 15 से लेकर 24 साल की उम्र में बच्चों को एक सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, वन ऑफ द लीडिंग कॉज है वर्ल्ड का। और उनका मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है और वो बहुत सारी चिंताओं से, एंग्जाइटी से, लॉस ऑफ स्लीप से, अपनी सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने से लेके बहुत सारी फियर से भरे हुए रहते हैं, जिसके लिए उनको काउंसलिंग देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये आज हमने यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया अलीम सर के साथ, और उन्होंने बहुत ज़्यादा पूरी तरह से योगदान दिया। आजकल जो बीमारी चल रही है, उसके लिए आपने क्या प्रिकॉशंस बताए हैं लोगों को? जी, आजकल सबसे ज़्यादा धूप बहुत तेज़ है, गर्मी है, तो सनस्ट्रोक बहुत ज़्यादा कॉमन है, पेट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और आप बोल सकते हैं स्किन की डिजीज, स्किन टैनिंग हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो सनस्ट्रोक पे बात कर लेते हैं हम। सनस्ट्रोक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लोग पानी ज़्यादा पिएं, धूप में कम निकलें, और अगर धूप में निकलते हैं तो सर को अच्छे से कवर करके किसी भी गीले कपड़े से, किसी भी गीले टॉवल से कवर कर करके निकलें। और डाइट में अपनी जितने भी वाइटमिन सी रिच न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रॉल है, ORS है, इन सब चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल करें। और स्किन टैनिंग की बात रही तो जितना कवर करेंगे इसको उतनी सही रहेगी। और दही का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। पेट की बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा कॉमन, क्योंकि इस एरिया में हम बेगमगंज के, जहाँ पे खाना बाहर का बहुत चलता है, तला भुना मिर्च मसाला लोग खाते हैं, और यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोग पेट की बीमारियों से पीड़ित हैं। पेट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप पानी उबाल के पिएं, बाहर का खाना कम से कम खाएं, मिर्च मसाला तला भुना खाने का इस्तेमाल कम करिए, जंक फूड अवॉइड करिए, और खाने में अपनी थाली में एक रेनबो बनाइए, जैसे मौसम की हरी सब्जियाँ होनी चाहिए, स्प्राउट्स होने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए। मैम, अपना परिचय दीजिए। जैसा कि यहाँ पे आप कैंप में आई, आपको कैसा लगा डॉक्टर अमीन जी से मिलके, और इनके जो टीम है, इन्होंने जो आप लोग को चेकअप किया, कैसा लगा इनसे मिलकर? यहाँ पर जो द ब्रिटिश स्पीकिंग जो इंस्टीट्यूट है, इसके जो ओनर हैं अलीम सर, तो उन्होंने जो ये कहा यहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइजेशन करा है हेल्थ का, इसमें सपोर्टेड जो रही हैं और अपनी फातिमा जी रही हैं, सो ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला वर्क है। दिस इज़ अ ग्रेट वर्क, बिकॉज कि हमारे माशरे में वुमेंस में इस एरिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी बढ़ रही है, सो ये बहुत एक अच्छी पहल है जिसे हमारे समाज में और लेडीज़ हेल्थ को लेकर के, क्योंकि हेल्थ इज कॉस्ट इज एवरीथिंग इज कॉस्ट, सो
इंशाल्लाह इस मुहिम में मैं भी जुड़ूंगी और जल्द ही मैं अपने एरिया में भी ये कैंप करवाऊँगी। अपना परिचय दीजिए, आज आपने यहाँ कैंप लगवाया है डॉक्टर अमरीन जी से, इसके बारे में आप कैसे कहना चाहेंगे कि इन्होंने निःशुल्क दवाई भी दी है लोगों को, इसका क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले मैं बहुत हाईली थैंकफुल टू ऑरा हेल्थ चेकअप, इन्होंने जो है आज यहाँ पर कैंप लगाया। मैं अली आज कैंप लगाया इन्होंने और इस कैंप में अप्रॉक्स अबव 100 पेशेंट इन्होंने यहाँ पर चेक करे, जिसमें आई चेकअप, ब्लड प्रेशर, शुगर एंड तरह तरह के पेशेंट्स आए, उनको जो है देखकर इन्होंने उनकी कमेंट को बताया, उनको फ्री मेडिसिन दी और उनको काफ़ी हद तक यहाँ से लाभ पहुँचा है। और हम चाहते हैं इस तरह से कैंप्स होते रहने चाहिए, जिससे इस तरह के जो ज़रूरतमंद लोग हैं इस तरह के कैंप से लाभ उठाते रहें, क्योंकि इन एरियाज़ में काफ़ी ऐसी पब्लिक है जो इतने ज़्यादा टेस्ट और इतने ज़्यादा जो है डॉक्टर चेकअप्स को नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इस तरह के कैंप से उन लोगों को काफ़ी प्रभाव पड़ता है, काफ़ी उनको बेनिफिट होता है, काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है, तो इस तरह के कैंप होते रहना चाहिए। और इसके लिए हम जो है मैम अमरीन डॉक्टर अमरीन मैम के लिए और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लगाए, डॉक्टर राहुल जी आए और भी इनके साथ काफ़ी स्टाफ है, उनके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पर आकर ये एक समाज सेवा का काम किया है और लोगों को गरीब दवाएँ बांटी, गरीब लोगों को ज़रूरतमंद लोगों को दवाएँ बांटी फ्री में और उनका जो है चेकअप किया ज़रूरतमंद लोगों का। तो इसके लिए हमें लगता है कि इस तरह के कैंप होने से काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और समाज में एक जो है उज्ज्वल एक कानपुर की ओर हम लोग बढ़ेंगे।